तो गाइस सच बात है ये, अगर बंदा मोटा हो जाए तो मजाक बनता है, बंदा पतला हो जाए तो मजाक बनता है। मेरा तो मजाक ही बना दिया लोगों ने। कल भी हंसने वाली बात नहीं, मैं यहाँ पे इमोशनल मैं रोने वाली थी अभी इस बात पे। मैं एक बात और बता देता हूँ भाई, हमको इसके साथ में जिम में क्यों आना पड़ता है? एक तो 13वीं मंजिल भाई, चाहे तूफान आ जाए कभी ये उड़ ना जाए। तो गाइस ये भैया चलो मजाक से हट के बात करती हूँ, ये जो मेरी प्रेगनेंसी थी इस प्रेगनेंसी में मेरा वेट सिर्फ और सिर्फ 86 किलो था। इससे पहले भी मैं प्रेगनेंट जब चीकू मेरे पेट में था तब मेरा वेट 96 केजीज था। 96 मैंने 96 से 54 किया है और अभी 86 से मैंने 40, मेरा पहले 50 था, अभी थोड़ा 2 किलो और कम हो गया। क्योंकि ट्रेवल पे इतना नींद पूरी नहीं होना, समय पे खाना नहीं मिलना, उससे भी जो है आपका वेट गिर जाता है और दिन रात काम करने से भी। तो किसी का मजाक उड़ाने से पहले आप ये सोचो समझो कि एक इंसान पे जब इतनी जिम्मेदारी होती है ना और इतने 40 लोगों की टीम को चलाना होता है तो उसका वेट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है? तो मजाक उड़ाने से पहले आप लोगों को सोचना चाहिए जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। किसी ने मुझे बोला है गंदी दिख रही है, किसी को लग रहा है 75 साल की आंटी हो गई है, किसी ने बोला चोकू सा मुंह हो गया है। तो भाई बोलते रहो, कोई बात नहीं, आपको एक महीने बाद मैं अपना वेट दिखाऊंगी और फिर आप बोलो। मलिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू एक वीडियो शेयर किया है जिसमें पायल का रो रो कर बुरा हाल है। पायल का कहना है कि उन्हें फेस करनी पड़ रही है बॉडी शेमिंग, प्रेगनेंसी में भी उनका मजाक बनाया गया और अब जब वो पतली हो गई है तो तब भी उनका मजाक बनाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अरमान ने यूज करवाए हैं पायल और कृतिका को स्लिमिंग इंजेक्शन। तो आपको क्या लगता है, आप एक कमेंट में बताना मत भूलिएगा।